आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स है ये और एक्सरसाइज है 1.3। पहला जो सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स। तो पहला जो है वो सवाल मैं पढ़ देता हूं, वो है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। वो सारे इवन नेचुरल नंबर्स जो 5 से डिवाइड होते हैं। दिस सेट इज नॉट एम्प्टी, हमको बताना है एम्प्टी है कि नहीं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमको बताना है कि जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं जो डिवाइड होते हैं 5 से, तो इसमें आप देखें 10 तो इवन है, 1 से लेकर अगर आप 10 तक पहुंचे तो 10 तो इवन है, इसको 5 डिवाइड कर देगा। फिर आप 20 पे चले जाइए, डिवाइड कर देगा। तो ये सेट नॉन एम्प्टी नहीं होगा, खाली नहीं होगा। दूसरा है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो एक ही नंबर ऐसा है, एक ही नंबर मैथमेटिक्स में ऐसा है 2 जो इवन है और प्राइम भी है, बाकी सारे प्राइम आपको ऑड मिलेंगे, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। फिर है अगला जो सवाल है उसमें ये है, बकायदा आपको एक एक फॉर्म में दिया हुआ है जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रैशनल। तो आपको बताना है क्या ये सेट जो है वो खाली होगा, एम्प्टी होगा कि नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 यानी एक्स स्क्वायर या एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो ये सेट है, ये जो सेट है अगर आप कहें कि भाई ये रैशनल होना चाहिए, ये तो नहीं है, रूट 2 तो इरैशनल नंबर है हमको पता है, तो ये सेट हो जाएगा खाली एम्प्टी। चौथा है सवाल कुछ इस तरीके से, मैं पढ़ देता हूं। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 8 एंड साइमल्टेनियसली एक्स इज ग्रेटर देन 12। मतलब ऐसा नंबर जो 8, 9, 10, 11, 12 लिख देता उसको, 8 से छोटा भी हो, चलिए 7 मान लेते हैं, और 7, 12 से बड़ा भी हो, मतलब ऐसा नंबर जो 12 से बड़ा भी हो 8 से छोटा भी है, क्या ऐसा हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक साथ कोई नंबर 8 से छोटा और 12 से बड़ा हो नहीं सकता, तो ये एम्प्टी सेट है। अगला है दिस सेट, जो सवाल ये है वो है कि x इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन रेल की पटरियां, इसका मतलब यही होता है कि ये कभी भी आपस में कहीं भी टकराएंगी नहीं। तो जब ये टकराएंगी नहीं, ये सीधी चल रही है, तो ये इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट तो आएगा ही नहीं, तो ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है। विच ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। अब हमको बताना है, हमको करीबन 6 पार्ट्स हैं इसके, इसमें बताना है कि कौन से फाइनाइट है यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं, कौन से अनगिनत है जिनको हम नहीं गिन सकते। तो पहला इसमें सवाल है सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। 1, 2, 3 कितने बना सकते हैं आप? इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो पहला है इनफाइनाइट, कितने कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम हो, बाकी रेडियस अलग अलग हो सकता है, तो इनफाइनाइट है ये। अगला है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो वो तो 26 है, हमें पता है A to Z, ये तो काउंटेबल है, तो बिल्कुल फाइनाइट है ये। तीसरा है सवाल में ये दिया हुआ है कि एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स ग्रेटर देन 5। तो अगर 5 के ऊपर आप चलें, 6 से चलें, 6, 7, 8 कब तक गिनते चले जाएंगे? लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इनफाइनाइट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन, लेस देन का साइन है, एक्स इज लेस देन 200। तो ये तो बिल्कुल काउंटेबल है, 1 से शुरू करिए, नेचुरल नंबर है, 1 से शुरुआत होती है और इन्होंने बताया 199 तक, तो ये तो काउंट हो जाएंगे, ये फाइनाइट है। फिर एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स इज लेस देन 5, मतलब ऐसे नंबर जो इंटीजर हैं और 5 से कम है, तो 5 से कम इंटीजर क्या है? 5 से कम आइए 4 हो गए, 3, 2, 1, 0, -1, -2, अरे ये तो इस लाइन पे तो बढ़ ही गया,
ये तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट है यहां, यहां पर तो ओपन, ये ओपन एंडेड है ना इस साइड, तो इनफाइनाइट है। फिर x बिलोंग्स टू r एंड x इज बिटवीन 0 एंड 1। अब आप देखें कि ये रियल नंबर है, रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं 0 और 1 के बीच में आपसे कहूं 0.1, आप कहेंगे नहीं 0.11 भी हो सकता है, आप कहेंगे 0.111 भी हो सकता है, आप कहेंगे 0.23 भी हो सकता है, 0.111111 हो सकता है। तो इस, ये तो अनगिनत है, इनके बीच में नंबर अनगिनत है, किसी भी दो नंबर के बीच में नंबर अनगिनत होते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, कौन कौन से इक्वल है इन चार, मतलब चार दिए हैं इसमें। एक है ए इक्वल टू 1, 2, 3, इसको हम देख लेते हैं, 1, 2, 3 तो खैर दिया हुआ है। अगला है एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया जाए माइनस एक्स 2 होगा, तो एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स कॉमन लेता हूँ तो एक्स माइनस 1, माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, बेसिकली एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स क्या आ रहा है 1 और 1, ठीक, तो 1 और 1 सेट तो ये आया 1 और 1, तो ये इसके बराबर तो हुआ नहीं, तो ये दोनों तो बराबर है नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, तीसरा है 1, 2, 2, 3। अब 1, 2, 2, 3 में देखिए सेट में कभी भी रिपीटेशन तो अलाउड होता नहीं है, किसी भी सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये क्या बनेगा 1, 2 और 3, ये बनेगा ना 1, 2 और 3, तो ये और ये बराबर हो गए, मतलब ए और सी बराबर हो गए, ये बिल्कुल सेम सेम है 1, 2, 3, इसमें आप रिपीटेशन हटाइए बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। अगले पे आते हैं, अगला है आपका एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब आपको करना क्या है कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको इसका सॉल्यूशन इस तरीके से बता सकता हूं आपको कि जब x² माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 है, तो अगर आपको नहीं समझ में आता है, अगर ये नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है इसमें 1 डाल के देखिए, 2 डाल के देखिए, 3 डाल के देखिए, अगर ये सॉल्व हो जाता है तो आप मान लीजिए कि ये सेट है, लेकिन कई और भी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसका फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x है माइनस 6, आपको ये जानना होगा कि एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बनेगा, ये आपको 1 देगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा, तो ये सेट हो गया 1, 2, 3। तो इसमें बराबर क्या हो गया, ए सेट ये वाला पहला, सी और डी, ए बराबर सी बराबर डी, ये है इसका उत्तर। नेक्स्ट में है आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, बिल्कुल सेम सवाल है आपको बताना है। पहला है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड रीप, रीप में एक रीप हो गया, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड पेपर, पेपर, और एक्स इज अ लेटर इन रोप। तो यहां से क्या निकल के आएगा, क्या रिपीटेशन नहीं है, एक में पी ई ए आर, इसमें क्या निकल के आएगा, पी ई, पी दो बार है तो एक बार लिखा पी ई ए आर, यहां पर आइए यहां पर है पी ई ओ आर हो गया, तो इसमें बराबर क्या हुआ, क्या ये बराबर हुए आपके, पहले तो ये समझ लीजिए, इसमें मिला आर ई ए पी, इसमें मिला आपका आर ई ए पी पी, पी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये और ये बराबर है, सी बराबर नहीं है, मतलब ये तीसरा इसमें ओ आ गया, ये बराबर है, ए तो सी के बराबर है लेकिन ये बराबर सी के नहीं, ए सॉरी ए और बी बराबर है, सी के बराबर नहीं। अगला है फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो पेयर दी इक्विवेलेंट सेट्स, कौन कौन से इक्विवेलेंट सेट्स है, मैं सेट लिख देता हूं आपके, तो आपके इक्विवेलेंट सेट्स कौन कौन से हो जाएंगे। अच्छा इक्विवेलेंट का मतलब यह है, सबसे पहले समझिए कि दो फाइनाइट सेट जिनको कि हम गिनती कर सकते हैं उनको हम कहेंगे ये एक जैसे इक्विवेलेंट है अगर उनके नंबर सेम होंगे अंदर जो एलिमेंट्स हैं। पहला सेट आपका बनता है जो दिया हुआ है वो है 1, 2, 3, दूसरा जो है वो है टी पी क्यू आर एस, फिर अगला है अल्फा बीटा गामा, फिर है आपका ए ई आई ओ यू, तो इसमें इसमें तीन है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है, तो ये ए बी सी डी अगर लिखा जाए
तो ए और सी बराबर है, मतलब इक्विवेलेंट है, इनको मैं इक्विवेलेंट कह रहा हूं, तीन लाइन लगा देता हूं इसमें, और बी और डी इक्विवेलेंट है, बी इज इक्विवेलेंट टू डी, ये है इसका उत्तर। छठवां है, आर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, फिर से यही बताना है आपको, ए जो सेट है वो है आपका टू और थ्री, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है। दूसरा है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स को मैं लिख देता हूं, ये सिक्स होता है, टू थ्री से सिक्स, टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स, एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस टू आएगा, प्लस थ्री कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस टू आएगा इक्वल टू जीरो, तो इसमें फैक्टर बने आपके एक्स प्लस थ्री, और फैक्टर बने एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री आ गया और एक्स इक्वल टू माइनस टू आ गया, तो माइनस टू और माइनस थ्री है इसके, तो ये तो टू और थ्री है, ये माइनस टू और थ्री है। आपको इसमें सवाल में दिया गया है कि आपको इक्वल बताना है, तो ये तो इक्वल नहीं हुए, ये तो आपके इक्वल नहीं हुए ना, ये ए और बी इक्वल नहीं हुए। अगला सेकंड सेकंड पार्ट है इसमें, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड वुल्फ, तो डब्ल्यू एल्फ एल एफ आ गया, फिर उसके बाद आपका अगला है, मतलब इसमें और इसमें बताना है, पहला तो वुल्फ हो गया, दूसरा है फॉलो, तो फॉलो को देखते हैं, एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू, तो इसमें ए ओ दो बार है, एल दो बार है, और एफ एफ एल ओ डब्ल्यू, इसमें भी एफ एल ओ डब्ल्यू है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसमें आप ए और बी को बराबर बताएंगे। नेक्स्ट सवाल में, फाइंड द सेट्स गिवन बिलो, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स, तो सेट कौन कौन से, ए बी ये आपके सामने है, तो इक्वल सेट्स तो यहां क्लियर दिख रहे हैं आपको कौन कौन से हैं, एक तो ये आप देखें बी, और ये आपका डी, इसमें हुआ क्या, इन्होंने जगह चेंज कर दी है, अगर इसको सही तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं तो ये बन जाएगा वन टू थ्री फोर, और बी ओ डी आपको एकदम सेम दिख रहा है, ये अब देखें वन टू थ्री फोर, ये वन टू थ्री फोर, तो बी ओ डी तो बराबर है। अब आप आइए सी पे, ये फोर एट टू है, और आप आइए एफ पे, फिर से ये जम्बल्ड अप है, अब मैं इसको फिर से असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूं, तो चार आठ बारह आ जाएगा, तो आपका सी और एफ बराबर है और बी और डी बराबर है। अब इसके नंबर गिनते हैं, इसके नंबर है दो, इसके है चार, इसके है तीन, इसके है चार, इसके है दो, इसके है तीन, इसके है चार, और इसके दो, तो आप देखें दो दो दो, ठीक, यानी ए ई और एच ये इक्विवेलेंट हो गए। अब आइए तीन पे, तीन तीन कौन 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 से हो गए, सी और एफ ये इक्विवेलेंट हो गए तीन। अब आइए चार पे, एक दो तीन, यानी बी डी और जी ये इक्विवेलेंट हो गए, क्योंकि इनके नंबर सेम है, इनके अंदर एलिमेंट्स एक नंबर के, मतलब एलिमेंट का काउंट एक है। नेक्स्ट सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, फिर से आपको बताना है इक्वल कौन से हैं। पहला जो दिया है वो क्वेश्चन ये है कि ए जो सेट है वो ये सवाल में ये दिया हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन थ्री, तो नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है, तीन से कम है, मतलब एक और दो ही होगा। अगला सेट बी जो है वो वन और टू दिया ही हुआ है डायरेक्टली। तीसरा जो है तीन और एक दिया हुआ है, उसके बाद आपका जो दिया हुआ है वो ये है, एक्स इज सच दैट, ये वाला बता रहा हूँ आपको, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ऑड एंड एक्स लेस देन फाइव, तो एन तक है, फाइव के नीचे एक हो गया और तीन हो गया, पांच के नीचे तो यही है, तो एक और तीन आ गया। ये ई में दिया हुआ है आपका वन टू वन वन, वन टू वन वन, तो वन टू वन वन में, वन टू वन वन में वन वन वन, ये रिपीट तो कर नहीं सकते हम, वो तो वन और टू लिखेंगे। एफ में आइए, एफ में लिखा है वन वन थ्री, तो वन वन तो एक ही हो जाएगा, मतलब एक ही बार लिखेंगे वन और थ्री। अब देखिए, अब इसमें देखिए कौन से इक्वल है, कौन कौन से इक्वल दिख रहे हैं, ये और ये इक्वल है, मतलब ए बी और ई इक्वल है, और वन टू वन वन थ्री वन, या इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, जम्बल अप में कोई दिक्कत नहीं, वन थ्री थ्री वन एक ही बात है, ये और ये, कहने का मतलब सी डी और एफ इक्वल है। नेक्स्ट सवाल है इसमें, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल, कैटरैक्ट और ट्रैक्ट इक्वल है ये बताना है। कैटरैक्ट में कैसे बनेगा, अब देखिए ए तीन बार है तो एक बार ए लिख दीजिए, टी दो बार है तो टी एक बार लिख दीजिए, सी तो आपको दिख ही रहा है, और सी दो बार है तो एक बार लिख दीजिए, ए हमने एक बार लिख दिया, टी हो गया, तो सी ए टी और आर, ये टी आर ए सी टी में भी दो बार टी है तो टी लिख दीजिए, आर आपको दिख रहा है, ए लिख रहा है सी, तो आर यहाँ पे देखिए,
ये यहां से मैं इसको मैच करा रहा हूं, टी आर ए सी, तो ये दोनों बराबर होंगे आपके। तो ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज के 1.3 आरडी शर्मा क्लास 11। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।